हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनलाइन एसे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As visible on the screen to all of you, UPES second online national essay writing competition 2021 for you is presented by Society of Law and Literature. You can participate freely in this awesome opportunity. No entry fees. That's very, very good. Now regarding prizes of this competition. Is competition ke prizes. First prize, rupees 7000 and an e-merit certificate, 7000 rupee. Second prize, rupees 5000, 5000 and an merit e-certificate. Third prize, rupees 3000, 3000 and an e-merit certificate. Fourth and fifth prize, rupees 1000, 1000 and an e-certificate of merit each. Top 10 entries will be awarded an e-certificate of merit. Top 20 entries will be compiled and published in UPES Student Law Review Journal. All the participants will get e-certificate of participation. That's absolutely fantastic. Now regarding important dates of this competition. Is competition ki important dates. Last date for submission of manuscripts. Manuscripts ki submission ki last date. 31 March 2021. Yani 31 March 2021 till 11:59 PM. इसलिए जल्दी करें। Tentative dates of announcement of results. पहले ही ये जान लीजिए कि ये tentative dates हैं, confirmed dates नहीं हैं। First week of May 2021. Scoring of the essay. कि essay को कैसे score किया जाएगा. The following criteria will be used in assessing the essay. Content, originality and research 65%, 65%. Clarity 15%, 15%. Structure 10%, 10%. Overall impression 10%, 10%. The quality of language will not be a decisive factor as long as the text retains its clarity and coherence. Registration link. इस competition में participate करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण यानी registration इस link के through run करना है. ये link आपको description box में मिल जाएगा. Submission कैसे करेंगे वो इस video में हम आगे जानेंगे, इसलिए video के साथ बने रहें. Submission गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ सबमिशन शुड ओनली कंटेन पेपर्स टाइटल फॉलोड बाय द 200 वर्ड अब्स्ट्रैक्ट। द सेकंड पेज मस्ट कंटेन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड मेन बॉडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट शुड बिगिन इमीडिएटली देयर आफ्टर। वर्ड लिमिट फॉर एसे इज 3000 वर्ड्स। वर्ड लिमिट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द फुटनोट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। इस एसे के लिए शब्द सीमा है 3000 वर्ड्स। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नेम इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस प्रोफेशनल डिटेल्स ईटीसी विद इन द बॉडी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एनी वायलेशन ऑफ द एनोनिमिटी रिक्वायरमेंट विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर पर्पजेज ऑफ the competition. All the authors submissions must be original and unpublished. All submissions will be checked for plagiarism and those with plagiarism percentage over the permissible limit 20% will be summarily rejected. So must remember this point. Formatting guidelines. Aap iska screenshot le sakte hain. Number 6. Participants are required to submit their manuscript. अब आ गया submission का mode.
आपका इंतजार खत्म। बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म द फॉर्म कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग हेयर। द लिंक टू अवर फॉर्म वुड ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन अवर ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स। इस गूगल फॉर्म सबमिशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिगार्डिंग थीम ऑफ दिस कंपटीशन रेविटलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड न्यू फार्म लॉज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड। यहाँ पर कुछ सब थीम्स भी हैं जो आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नोट भी है यहाँ पर कि दीज सब थीम्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, ऑथर्स आर ओपन टू वर्किंग ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू द अबव मेंशनड थीम। ये सिर्फ सजेस्टेड ही सब थीम्स हैं। कंपटीशन गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं। अ को ऑथरशिप ऑफ नॉट मोर देन टू ऑथर्स इज परमिटेड। यहाँ पर मैक्सिमम टू ऑथर्स परमिटेड हैं। बाय सबमिटिंग द आर्टिकल ऑथर फॉरफीट देयर कॉपीराइट ओवर देयर मैन्यूस्क्रिप्ट इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, अंतिम और मान्य। द सोसाइटी रिटेन्स एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन इन मार्किंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सिटेशन गाइडलाइंस द ऑथोरिटीज मस्ट बी सिटेड इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स। सिटेशंस मस्ट फॉलो अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ सिटेशन थ्रू आउट द सबमिशन। द पार्टिसिपेंट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड टाइटल ऑफ नेम ऑफ ऑथर आर्टिकल ऑब्लिक रिपोर्ट ऑब्लिक ब्लॉग डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड एक्टिव वेब लिंक फॉर अथॉरिटीज सिटेड वेयर एवर पॉसिबल। In case of large documents such as reports, long articles, cases, etc., the authors must include the relevant paragraph oblique page of authority being cited. Speaking oblique explanatory citations are discouraged. एलिजिबिलिटी ऑफ दिस कंपटीशन। इस कंपटीशन की एलिजिबिलिटी योग्यता। दिस कंपटीशन इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स परसुइंग बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। फॉर मोर क्वेरीज का आंसर पाने के लिए सनी वरदानी 9602886360, अर्चिता सतसंगी 9873388399, हिमांशु मारू 9929193492। ईमेल का आप स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये नई जानकारी अत्यंत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर एवर।